एक कहानी जो आप लोगों को दिखाई जाएगी, ये कहानी है सूरजगढ़ की, ये कहानी है सूरजगढ़ की। और सूरजगढ़ के सम्राट यानी महाराज अमन सिंह है। सूरजगढ़ के महाराज अमन सिंह आज अपने उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे और उनके दाहिने साइड में उनके रियाया के महामंत्री मंत्री दुर्जन सिंह अपने उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे और सम्राट के बाएं साइड में सम्राट की महारानी जिनका नाम है कुसुमावती अपने उचित स्थान पर बैठी नजर आएंगी। और सम्राट की शांति के लिए कुछ कंचनियां मुबारकबाद पेश कर रहे दोस्तों। तो आप लोग देखें, पेश हो रही कहानी, पेश हो रहा है किस्सा संत वीर जादू की कटारी। संत वीर जादू की कटारी, खोया हुआ राजकुमार उर्फ शाहिदा को। वह साड़ी देकर रात दरबार से रुख्सत किया जाए।
राज दरबार के राज दरबारियों। जी सरकार, महाराज के कहने अनुसार सभी कंचनियों को इनका उचित इनाम देकर राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसी आज्ञा, स्थान ग्रहण करें। एक कंचनियों, आओ हमारे साथ, एक एक करके बारी बारी से आओ और सम्राट को आदाब करते हुए चलो और अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने वतन जाओ। अपनी रियाय के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। कहिए राजन, आप इस प्रजा के बारे में महामंत्री दुर्जन सिंह से क्या जानकारी करना है? सुनिए मंत्रवर, तो मंत्री वर बतलाइए भाई समाचार का। बतलाइए भाई समाचार का। और पूजा मेरी है दुखी या रहती कुछ बोलो मंत्रवर कि हमारी पूजा के क्या अहवाल है? महाराज, आप इस पूजा के बारे में जानकारी करना चाहते हैं? हाँ मंत्रवर। आपकी ये प्रजा इस वक्त किस हाल में है सम्राट? तो आपका ये गुलाम महामंत्री दुर्जन सिंह आपको सब कुछ बतलाएगा। सब ठीक है, आए मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है, ये आपकी प्रजा आपके नाम की जय जय जय। और जब तक मंत्री पद पर
मंत्री दुर्जन सिंह तैनात रहेगा, राजनाथ की नाम के लोग जजे काल ऐसा ही होना चाहिए। आसन ग्रहण करो। महामंत्री दुर्जन सिंह, तुम तो जानते हो कि हमारी सेना के सेना नायक सेनापति करण सिंह इस वक्त सीमा सरहद पर मुस्तैद है। उन्हें फोन कर सीमा सरहद से रात दरबार बुलाया जा रहा है। चाहे तो हरामी। जी सरकार। हाँ रहो हरामी। महाराज का देशानुसार ये सेनापत करण सिंह को तुरंत तत्काल फोन कर दिया जाए और फोन पे बता दो कि महाराज राज दरबार में शीघ्र ही याद कर रहे हैं। अशार कहा करें? निरहो बेटा, मोबाइल लेके आओ क्योंकि फोन करना है। शांत रहा सारे, हमका तुमका कहा करें। साले सटर खोल रहे हो, साले किराना की दुकान खोले हो। अरे साले लाख खोल रहे हो। एक बात ये बताओ, सेनापत का नंबर कितना है? दस। कितना? दस। सारे दस नंबर तो होते हैं। तो कहा साले हम ग्यारह बता रहे हैं, दसा तो बता रहे हैं। हाँ साला खोपड़ी खराब करी। चल देखते हैं डायल में लगा होगा तो देख ले डायल पे। सेनापत करण सिंह। हेलो। हेलो, कौन आप? कौन? मैं सेनापत करण सिंह बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। हम रात दरबार से चैतु हरामी बोल रहे हैं। ओ चैतु हरामी, क्या हालचाल है रात दरबार की? सर, महाराज ने आपको रात दरबार में शीघ्र ही याद किया है। कोई जरूरी काम है? मालूम नहीं है सर। ठीक है महाराज, शिकायत दो जी, मैं शीघ्र ही रात दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। जी जय हिंद सर। जय हिंद। आखिर अचानक फोन करके बुलाने का सबब क्या है? सेनापत करण सिंह, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि तुम्हें रात दरबार अचानक क्यों बुलाया हूं। हमारी बातें ध्यान से सुना सेनापत। तू मेरे दिल में उठाए तूफान है, मेरे दिल में उठाए। बुलाना पड़ा, चलो जंगल में आखे के वास्ते इसलिए है जरूरी बुलाना पड़ा। और बंदा खिदमत
वंदा खिदमत में हाजिर है सरकार के। है मेरे लिए बोलिए बोलिए जरा बोलिए क्या इजाजत है मेरे लिए बोलिए। राज दिल आप तो सिर वया कीजिए वया कीजिए वया कीजिए राज दिल आप तो सिर वया कीजिए। कहिए सम्राट सेनापति सिंह आप इस वक्त सीमा सरहद से चलकर आ रहे हैं दरबारी पहले सेनापति को बैठने की व्यवस्था की जाए और सेनापति करण सिंह ये बताओ कि तुम्हारी सीमा सरहद के क्या समाचार है। सम्राट हमारे नौजवान 24 घंटे बॉर्डर से तैनात रहते हैं हमारे नौजवान 24 घंटे बॉर्डर से तैनात रहते हैं अगर कोई दुश्मन या कोई आतंकवादी बॉर्डर पार करने की जरूरत किया तो हमारे नौजवान उसे गोलियां मार देंगे। क्यों नहीं मेरे सेना के बहादुर नौजवान हमें तुम जैसे वीरों पर गर्व है क्योंकि हमारे देश की आन मान मर्यादा के प्रतीक तुम जैसे वीर हैं। आसन ग्रहण करो। महामंत्री दुर्जन सिंह जाओ दो घोड़े तैयार किए जाएं। शर्तो हरामी महाराज का कहना है कि दो घोड़े तैयार किए जाएं। कितने दो घोड़े तैयार किए जाएं क्योंकि महाराज आज शिकार खेलने फिर से जाएंगे जैसे कि पहले महाराज हमेशा शिकार खेलने जाते थे। हाँ क्यों नहीं वैसे ही आज भी महाराज तैयारी बनाए जाओ घोड़ सवारी में और जा करके पहला घोड़ा महाराज का तैयार करते और दूसरा घोड़ा पहला घोड़ा महाराज का दूसरा घोड़ा महामंत्री दुर्जन सिंह का तैयार कर दो। महामंत्री दुर्जन सिंह पहला घोड़ा हमारे लिए तैयार किया जाए और दूसरा घोड़ा सेनापति करण सिंह के लिए तैयार। लेकिन महाराज आज मैं गुस्ताखी माफ हो हमेशा तो आपके साथ शिकार खेलने मैं जाता था हमेशा शिकार खेलने
महामंत्री दुर्जन सिंह जाता था। आज पहली बार सेनापति करण सिंह जाएगा। महाराज, क्या हमारे बाजुओं में ताकत नहीं है या फिर हमारा निशाना सही रही है? नहीं महामंत्री दुर्जन सिंह, तुम्हारी बाजुओं में ताकत भी है और तुम्हारा निशाना भी अच्छा है, लेकिन इस बार शिकार खेलने हमारे साथ सेनापति जाएंगे तो इनका दिल बहल जाएगा, क्योंकि तुम तो जानते हो सेनापति करण सिंह हर वक्त सीमा सरहद पर मुस्तैद रहते हैं। इस बार शिकार खेलने जाने से इनका दिल बहल जाएगा और अच्छा होगा। जो किया राजन, या घोड़े तैयार कर दो। सेनापति करण सिंह कहिए सम्राट, चलो तैयारी करो। बहुत अच्छी बात सम्राट। राजन, गुस्ताखी माफ हो। कहो दरबारी। संदेशा लेकर के आया हूँ। कौन सा संदेशा लेकर आए हो? संदेशा ये है राजन, आज भरे दरबार आपके बेटे राजकुमार वीर सिंह आना चाहते। क्या कहा दरबारी? आज भरे दरबार हमारे युवराज वीर सिंह आना चाहते हैं। जी राजन। तो ले सम्मान के साथ राज दरबार लाया जाए। जय श्री आज्ञा। बेटा पिताजी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? तो ए पिता आपसे आरजू है मेरी, ए पिता बेटा वीर सिंह, तुम्हारे कॉलेज की फीस कितनी है? कॉलेज की फीस 500 रुपए पिताजी, और जेब खर्च के लिए मुझे 1000 चाहिए। ठीक है बेटा, महामंत्री दुर्जन सिंह जाओ, हमारे युवराज वीर सिंह को शाही खजाने से 1500 रुपए दे दिए जाए। राजकुमार वीर सिंह, कहिए महामंत्री जी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको निकाल कर खजाने से पूरे 1500 रुपए देता हूं। ठीक है महामंत्री जी, आप चलिए। मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि कॉलेज का समय हो रहा है। ठीक है, जाओ बेटा, खूब मेहनत से पढ़ाई करना। जी प्रणाम पिताजी। दरबारी। जी राजन। आज का रात दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। जय श्री कृष्ण। रात दरबार का मेन गेट बंद करवा दिया जाता है। गेट बंद।
रात दरबार का मेन गेट बंद कर दो। क्या रात दरबार का समय समाप्त हुआ, गेट बंद किया जाए, बंद कर दो, बंद। साले गेट वही खोपड़ी पे गिर गया रहा है, कहा बच गए सारे, नहीं खोपड़ी फाट जाती।